नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों हाल ही में मैंने परचेस किया है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G अमेजोन से, और इसका अनबॉक्सिंग भी मैंने कल किया था। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मुझे किस तरह से जो फोन है, ये जो 22,000 का फोन है, ये है 6GB प्लस 128GB वेरियंट, ये आपको मिलता है 22,000 में, लेकिन मैंने इसे परचेस किया है 18,500 में। तो किस तरह से मैंने इसे परचेस किया है 18,500 में, इसका मतलब है कि मुझे 3,500 का डिस्काउंट मिला है, तो आपको भी इतना डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो उसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम अप टू 1500 तक, तो आपको 1500 वहां पे डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद अगर आपके पास डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, नीचे आप जाओगे अमेजोन पेज पे तो बाय लिंक के नीचे ही आपको 2000 का कूपन मिल जाता है, तो आप उस कूपन को अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2000 कूपन के और 1500 बैंक ऑफर के, तो टोटल हुए 3500, तो आपको टोटल 3500 का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप इसे परचेस करते हैं। जो 22,000 का फोन है आपको ये पड़ेगा 18,500 में। तो इस तरीके से अगर आपको ये फोन 18,500 में मिल रहा है तो ये मुझे लगता है काफी अच्छी डील है। हालांकि मैंने जैसे बताया अनबॉक्सिंग के वीडियो में, इसमें कुछ माइनस पॉइंट्स है, जैसे इसमें HD प्लस का डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एमोलेड पैनल है, तो अगर आप कंपेयर करोगे किसी दूसरे मोबाइल के दूसरे ब्रांड के फोन से जिसमें HD प्लस का डिस्प्ले होता है, ये जो डिस्प्ले है काफी बेहतर है। आपको पता है कि ये HD प्लस का डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप किसी को दिखाओगे इस तरीके से कि भाई ये डिस्प्ले कौन सा है, HD या फिर फुल HD, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि डिस्प्ले काफी बेहतर है। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग है, हालांकि जो सभी फीचर्स जो मिसिंग है वो सॉफ्टवेयर फीचर्स है, उसको OTA अपडेट से ऐड किया जा सकता है। जैसे कि इसमें AOD नहीं है तो भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें AMOLED पैनल है तो AOD तो मिल जाएगा, और स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो भी मिल जाएगा, और कुछ फीचर्स मिसिंग है कैमरा में तो भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये फोन 18,500 में या फिर आप कहोगे 20,000 के नीचे आपको ये मिलता है, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी डील है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, वो भी 5G के साथ। दोस्तों अगर आप सैमसंग का फोन लेते हो और उसके साथ अगर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है तो ये सबसे अच्छा कॉम्बो बनता है। तो हीटिंग के मामले में काफी बेहतर ये फोन, क्योंकि आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 750G जो काफी पावर एफिशिएंट है। अब पावर एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि बैटरी भी इसमें काफी बेहतर चलेगी, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है करीबन 2 घंटे से ज्यादा, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज 83%, जिसमें मैंने गेम भी खेले है, एंटूटू बेंचमार्क को भी रन किया है, सीपीयू थ्रॉटलिंग भी किया है, गीकबेंच 5 को भी रन किया है, तो मैंने मतलब इसे 2 घंटे से ज्यादा यूज किया है और अभी भी यहाँ पे बैटरी है 83%। और इसका रीजन है, एक तो इसमें प्रोसेसर अच्छा है, और दूसरी चीज इसमें जो डिस्प्ले है HD प्लस का डिस्प्ले है। HD प्लस का डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी ड्रेन ज्यादा होती नहीं है कंपेयर करेंगे अगर फुल HD डिस्प्ले से। दोस्तों मैंने इस फोन को कंपेयर किया साइड बाय साइड फुल HD डिस्प्ले वाले फोन से, तो मुझे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आया। मतलब आपको लगेगा कि ये एक फुल HD फोन है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि ये फुल HD नहीं है, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये फुल HD नहीं है। हालांकि पेपर पे हमें लगता है कि भाई स्पेक्स इसके HD प्लस ही है तो अच्छा नहीं होगा डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले काफी बेहतर है, मैंने इस नोटिस किया है। और बात करेंगे मीडिया कंजम्पशन की, तो आप अच्छे से इसमें मीडिया कंजम्पशन कर सकते हो। वाइड वाइन EL1 का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब आप जो कंटेंट है HD में देख सकते हो। और दोस्तों बात करेंगे गेमिंग की, तो गेमिंग में भी आपको अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर बात करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको यहाँ पे ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई तक मिल जाती है, और फ्रेम रेट यहाँ पे आपको मैक्स तक मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगर आप फुल HD ये जो चीजें हैं अगर आप इसे निगलेक्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से ये 18,000, 19,000, 20,000 इस प्राइस पॉइंट में काफी बेहतर फोन है, और आपको ये मिलता है 5G के साथ, तो फ्यूचर प्रूफ फोन है आप ये कह सकते हो। हालांकि 5G बैंड कितने सपोर्ट करते हैं, कौन से सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने ईमेल भी किया था सैमसंग को, लेकिन उनका जवाब घुमा फिरा के मुझे दिया गया, एक एग्जैक्ट जो आंसर है वो नहीं मिला, तो मैंने वापस उन्हें ईमेल किया है कि मुझे जो एग्जैक्ट नंबर से एग्जैक्ट बैंड से वो बताया, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि इतने बैंड सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं। और जैसे बात करूं अगर आपके पास M51 पहले से है या F62 पहले से, तो आपको इस फोन को परचेस करने की जरूरत नहीं। अगर आपको F62 और फिर इसमें से किसी एक को चूज करना है, तो आप इसे चूज कर सकते हो, और रीजन ये है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको कंपेयर करेंगे अगर एक्सिनोस के 9825 प्रोसेसर के मुकाबले में। तो दोस्तों अगर आपको ये फोन मिल रहा है 20,000 के कम प्राइस पॉइंट में, तो आपको इस फोन को परचेस कर लेना चाहिए। अगर आप कोई नया फोन परचेस करना चाहते हो 5G फोन के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन कई सारे चाइनीज ब्रांड आपको मिल जाएंगे जो 17-18 हजार में भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको 750G प्रोसेसर नहीं मिलेगा। सब लोग अब यहाँ पे MediaTek 700U, आपको पता होगा 800U पे ही लगे हैं, लेकिन 750G आपको ये मिल रहा है 20,000 के प्राइस पॉइंट में, तो ये काफी अच्छी डील है। और जो भी मिसिंग फीचर्स है इसमें,
आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मिलता है वन यू आई 3.1, इसलिए कोई कोर वर्जन नहीं है। और साथ में ही इसमें नेटवर्क रिसेप्शन के लिए आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, क्योंकि इसमें कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एक दिन यूज करने के बाद, मुझे कुछ चीजें पता चली एक दिन यूज करने के बाद। मुझे लगा कि ये फोन अगर 20,000 के नीचे के प्राइस पॉइंट में मिल रहा है तो एक काफी अच्छी डील होगी, इसलिए मुझे आपको बता रहा था। अगर आपको एक फोन परचेस करना चाहते हो 5G सैमसंग स्नैपड्रैगन 3 कॉम्बो अगर आपको मिलते हैं 20,000 के प्राइस पॉइंट में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप डिस्प्ले की बात करेंगे, यहाँ पे है 720p HD+ का डिस्प्ले। बार बार मैं यही चीज बता रहा हूँ डिस्प्ले, क्योंकि कई सारे लोग डिस्प्ले पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी LCD डिस्प्ले को यूज किया होगा, चाहे फिर वो फुल HD हो या फिर HD हो, उससे बेहतर आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, भले ये HD+ है, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और मेरे हिसाब से मैंने कई सारे डिस्प्ले यूज किए, आपको पता होगा फुल HD, HD, IPS LCD, TFT LCD और सुपर एमोलेड। और मेरे हिसाब से HD+ की डिस्प्ले है ना, जितने भी फोन मैंने यूज किया ना, उसमें से ये काफी बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, आपको कौन सा फोन लेना है। ये मेरा रिव्यू था एक दिन के यूसेज के बाद, मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। परफॉर्मेंस इसका काफी बेहतर आपको मिलेगा, डे टू डे लाइफ में ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको परचेस करना है तो आप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप परचेस कर सकते हो वहां से इस फोन को। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस फोन के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, कई सारे वीडियोस आएंगे इस फोन के ऊपर, तो बने रहिए चैनल पे। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो इस फोन के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, या फिर ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।